दोस्तों, अगर आप भी सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, टाटा आईपीएल 2023 का 35वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो मजबूत टीमें मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने आए गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। वैसे तो गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर बल्लेबाज गुजरात टाइटंस को हर मैच में महज 15 से 20 गेंदों पर 40 से 45 रनों की साझेदारी करके देते थे, लेकिन आज के मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुजरात टाइटंस की शुरुआत स्वाद अनुसार ना रही। गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा मुंबई इंडियंस के न्यू कुमार स्टाइलिश गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। मुंबई इंडियंस को बड़ी सफलता दिलाई अर्जुन तेंदुलकर ने। रिद्धिमान साहा ने आउट होने से पहले महज 4 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। साहा के आउट हो जाने की बात मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनका बल्ला अभी तक इस पूरी सीरीज में खामोश रहा। हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस अहम मुकाबले में टीम मैनेजमेंट को कप्तान हार्दिक पांड्या से काफी उम्मीदें थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने टीम मैनेजमेंट को निराश करते हुए महज 14 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेलकर पारी के सातवें ओवर में पीयूष चावला की गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। चावला ने दूसरी बड़ी सफलता दिलाई मुंबई इंडियंस को। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए विजय शंकर। देखा जाए तो विजय शंकर का टाटा आईपीएल 2023 अब तक काफी शानदार रहा। विजय शंकर और ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल ने गुजरात टाइटंस की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालकर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 24 गेंदों पर 41 रनों की पार्टनरशिप करके गुजरात टाइटंस को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से पीयूष चावला ने अपने कोटे के दूसरे और टीम के 11वें ओवर में विजय शंकर को टीम डेविड के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात टाइटंस को तीसरा बड़ा झटका दिया। जिस समय विजय शंकर आउट हुए उसमें गुजरात टाइटंस का स्कोर था 91 रन। विजय शंकर ने आउट होने से पहले 16 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली थी। विजय शंकर के आउट होकर मैदान के बाहर जाने के बाद मैदान पर आए गुजरात टाइटंस की तरफ से बल्लेबाजी करने किलर मिलर, तो वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए जेसन पेंड्रोप। जेसन ने अपने पहले ही गेंद पर घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे गिल को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात टाइटंस को चौथा बड़ा झटका दिया। गिल ने आउट होने से पहले 34 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली थी। 104 रनों के स्कोर पर 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद दबाव में दिख रही थी गुजरात टाइटंस। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुजरात टाइटंस 150 से 155 रनों तक ऑल आउट हो जाएगी। गिल के आउट हो जाने के बाद टाटा आईपीएल 2023 में पहली बार बल्लेबाजी के लिए आए अभिनव मनोहर को गुजरात टाइटंस ने साई सुदर्शन के स्थान पर प्लेइंग 11 में स्थान दिया। फिर क्या था, मैदान पर आने के बाद अभिनव मनोहर ने जिस घातक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आया हो। एक तरफ से डेविड मिलर संभल कर तो वहीं दूसरी तरफ से अभिनव मनोहर ने मैदान पर आने के तुरंत बाद ही घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दिया, जिसे देखकर मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी की भी हालत खराब हो गई। अभिनव मनोहर ने मुंबई इंडियंस के सबसे सफल गेंदबाज पीयूष चावला को अपना निशाना बनाया। जब 4 विकेट गिर जाने के बाद पूरी तरीके से दबाव में थी गुजरात टाइटंस और पारी का 15 ओवर लेकर आए थे पीयूष चावला, तो अभिनव मनोहर ने पीयूष चावला की इस ओवर में 2 छक्कों और 1 चौको सहित कुल 18 रन ठोककर मोमेंटम गुजरात की तरफ शिफ्ट कर दिया। डेविड मिलर और मनोहर ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 18 ओवर में टीम के स्कोर को 172 तक पहुंचा दिया। अभिनव मनोहर ने महज 21 गेंदों पर 41 रनों की घातक पारी खेली, जिनमें उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के निकले थे। अभिनव मनोहर टीम के 172 रनों के निजी स्कोर पर जेसन पेंड्रोप की गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। मनोहर की आउट होकर पवेलियन जाने के बाद मैदान पर आए तेवतिया। तेवतिया ने मैदान पर आने के बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को ऐसा तेवर दिखाया कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों में भगदड़ सी मच गई। राहुल तेवतिया ने महज 5 गेंदों पर 400 की स्ट्राइक रेट से 20 रनों की पारी खेली, जिनमें उनके बल्ले से 3 गगनचुंबी छक्के निकले थे। तो वहीं डेविड मिलर ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 22 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 46 रनों की पारी खेली। 56 अभिनव मनोहर की 41 और मिलर के 46 रनों की पारी के बदौलत गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 207 रनों के पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया।
207 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियंस के धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन और हिटमैन रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी ना रही। गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी का दूसरा ओवर निकलाए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को आउट करके मुंबई इंडियंस को पहला झटका दिया। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए मुंबई इंडियंस के धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरून ग्रीन और ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इसी बीच पारी का आठवां ओवर लेकर आए करामाती खान यानी राशिद खान ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन को जोश वाली लिटिल के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस को 43 रनों के निजी स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका दिया। ईशान किशन ने महज 13 रनों की पारी खेली। ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए इनफैक्ट प्लेयर के तौर पर तिलक वर्मा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी ओवर में राशिद खान की गेंद पर LBW आउट होकर मैदान से बाहर चले। तिलक वर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए टीम डेविड मैदान पर आए थे। किसी बीच अपने कोटे का पहला और टीम का 11वां ओवर लेकर आए गुजरात टाइटंस के बेहतरीन गेंदबाज नूर अहमद ने टीम डेविड को अपने ओवर की चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड करके मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका दिया। टीम डेविड के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए मुंबई इंडियंस के आखिरी उम्मीद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए ही थे। किसी बीच नूर मोहम्मद ने इसी ओवर में कैमरून ग्रीन को भी क्लीन बोल्ड करके मुंबई इंडियंस को 5वां बड़ा झटका दिया। कैमरून ग्रीन ने आउट होने से पहले 26 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली थी। नूर काफी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। मुंबई इंडियंस को नूर अहमद ने उस समय सबसे बड़ा झटका दिया जब मुंबई इंडियंस की आखिरी उम्मीद सूर्य कुमार यादव को पारी के 13 ओवर में आउट करके नूर अहमद ने मुंबई इंडियंस की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। मुंबई इंडियंस का शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। हालांकि मुंबई इंडियंस की तरफ से 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निहाल पटेरा ने 21 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 40 रनों की पारी खेलकर थोड़ी देर मुंबई इंडियंस की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन वो भी पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए गुजरात टाइटंस के पिछले मैच के हीरो मोहित शर्मा की गेंद पर मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट होकर मुंबई इंडियंस की आखिरी उम्मीद को भी तोड़कर चले गए। निहाल बटेरा के आउट हो जाने के बाद मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और निर्धारित 20 ओवर में मुंबई 152 ही रन बना पाई। इस मैच को गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रनों से हराकर IPL 2023 में एक और जीत अपने नाम किया।